प्लेनेट भोजपुरी। मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। मैं जब पढ़ाई करता था तो मनोज बाजपेयी की फिल्म आई थी सत्या, मैं उसमें 9th में पढ़ता था। सिर्फ पोस्टर देखकर मेरे दिल में जहन जगा कि मैं भी एक दिन एक्टर बनूंगा, और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा। वहाँ के लोगों से मिलना जुलना, पैसा बर्बाद होना, डांस कंपटीशन भाग लेना, ऐसे करते करते मेरे संतोष मिश्रा से संपर्क हुआ। मैं आज लगभग 44 फिल्म रिलीज हो चुकी मेरी। यहाँ से मैं आया तो एक विनय बिहारी गीतकार, उनके छोटे भाई ने मुझे बॉम्बे पहुँचाया। अब बॉम्बे जहाँ रहता था उसी ऊपर रहते थे संतोष मिश्रा राइटर डायरेक्टर। उनसे मुलाकात हुई, मैं अपने दुख सुख बताया, चलते रहे कि मेरी माँ का देहांत हो गया। फिर एक इमोशन जगा संतोष मिश्रा जी के साथ मेरा, तो पहली फिल्म दीवाना थी रामाकांत जी, राजकुमार पांडे साहब। मुश्किल तो हर जगह है, आप जा रहेगा वहाँ भी है, लेकिन हम यही कहेंगे अगर सच्चे दिल से ईमानदार है तो आप कहीं भी मुश्किल नहीं रहेंगे। नहीं, मैं एक दिल में अपने चीज़ खड़ा कि आप अगर सही हैं तो जिस रास्ते पर निकलेंगे वहाँ सही राहगीर मिलेगा, और मुझे वो उसका परिणाम मिला। स्ट्रगल तो आज भी है, कल तक रहेगा, लेकिन करना पड़ा मुझे। हाँ, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक दो जगह गया, लोग मुझे समझा पता नहीं इसको भोजपुरी आएगी कि नहीं आएगी, एक्टिंग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद और मेरा मेहनत ने यहाँ तक पहुँचाया मुझे। देखिए, एक करेक्टर ही हीरो होता है, हीरो हीरो नहीं होता है। फिल्म की स्टोरी हीरो होती है, कोई करेक्टर आर्टिस्ट भी हीरो हो जाता है, गीत संगीत हीरो होता है, कहानी हीरो होता है, डायरेक्टर हीरो होता है, प्रोड्यूसर हीरो होता है, ये जोड़ने के हीरो ही हीरो होता है फिल्म का। नए साल में मेरी फिल्म आ रही है पहली नज़र को सलाम, तोरे मछले प्राण, सरकार राज, आ गले लग जा, और ये फिल्में रिलीज होने वाली हैं। उसके बाद होली के लगभग में आएगी गरम मसाला, निर्वा सटल रहे, रंगीला, सनम और कहानी किस्मत की। प्लैनेट भोजपुरी।